हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिका यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं पीसी या लैपटॉप में फायरफॉक्स कैसे इंस्टॉल करें ये बताया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज भी पुराना वाला ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर नया पीसी खरीदा है। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा है, पूरा देखिए। तो फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के लिए कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अगर पीसी नया है तो उसमें एज ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट आया होता है, तो उस पर सर्च करना है फायरफॉक्स डाउनलोड। टाइप करना है फायरफॉक्स डाउनलोड, फिर एंटर। देखिए अगर फायरफॉक्स गो टू डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं फीचर्स दिखा देता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। फिर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके डाउनलोड चालू करते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। फायरफॉक्स इज मोर देन अ ब्राउजर यू डाउनलोड। देखिए डाउनलोड कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर लिंक पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ एप्लीकेशन को सेव करने के लिए पूछ रहा है, सेव कर दिया हूँ। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोडेड फोल्डर में जाके उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये सेटअप पूरा का पूरा बाकी सारे एप्लीकेशन की तरह है। देखिए फायरफॉक्स इंस्टॉलर डॉट exe पर क्लिक करके ओपन कर करना है। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पीड इंटरनेट इनेबल करके रखिएगा। देखिए इंस्टॉल हो रहा है फायरफॉक्स ब्राउज़र। ये देखिए फायरफॉक्स का आइकन आ चुका है, उस पर डबल क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए फुल्ली फंक्शनल। गूगल सर्च करने करके भी देख सकते हैं। ये देखिए आ रहा है। ये थोड़ा कुछ सारा अलग कस्टमाइज मैंने खुद किया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फायरफॉक्स ब्राउज़र में डार्क मोड इनेबल करें। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।